अहम खबर है यहां पर सीपैक मंसूबे पर बजट के इस्तेमाल पर विफाक से तीन सूबों का इख्तलाफ। सिंध, पंजाब और केपी के बलोचिस्तान हुकूमत से राबते का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना मुजफ्फर सैयद एडवोकेट ने वजीर आला सिंध से मुलाकात की है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी सीपैक की सिक्योरिटी पर सूबों के हिस्से से रकम देने की मुखालफत कर दी थी। मजीद जानेंगे आजाद नौड़ियों से। आजाद, बताइएगा इस मामले की तफसील। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से सीपेक मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए डिविजिबल पूल से जो है रकम जारी करने का जो फैसला किया गया था, इस फैसले का सिंध और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुखालफत कर दी है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक वफद ने वजीर खजाना मुजफ्फर सईद की क्यादत में वजीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वजीर हाउस कराची में मुलाकात की। इस मुलाकात में जो है वजीर अला सिंध और वजीर खजाना के पी के ने खास तौर पर इस बात पर इतफाक किया कि वफाकी हुकूमत की जानब से डिविजिबल पुल से जो रकम सिक्योरिटी जो है सीपेक मनसूबे के हवाले से जाने का फैसला किया गया उस पर वो मुतफिक नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क का मामला है। इसकी जो सिक्योरिटी पर जो अखराज आते हैं वफाकी हुकूमत अपनी बजट से खर्च करे। इसके साथ साथ जो कौमी मालियाती अवार्ड सातवां है उस बात पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिस पर के पी के हुकूमत ने सिंध हुकूमत के मौकफ की हिमायत कर दी। जी आजाद नहरिया, शुक्रिया आपका। एक बार फिर आपको बताएं कि पाकिस्तान